दोस्तों, रेगिस्तान के जीव अपनी अनोखी खासियत के कारण बेहद दिलचस्प होते हैं। जैसे ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, दोस्तों ये लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं, और बिच्छू, जो रेत में छिपकर शिकार करते हैं, गिलहरी, जो गर्मी से बचने के लिए रात में एक्टिव रहती है, रेगिस्तान की छिपकली, जो अपनी त्वचा के रंग से रेत में छिप जाती है। दोस्तों, ये सभी जीव कठिन सर्कमस्टेंसेस में भी जीवित रहने के लिए बेहतर ढंग से कस्टमाइज्ड होते हैं। उनकी लाइफस्टाइल और संघर्ष हमें जीवन के प्रति धैर्य और साहस सिखाते हैं। तो दोस्तों, सब्र रखिए, क्योंकि हमने इस वीडियो में ऐसे ही कई जीवों को शामिल किया है जो तपती हुई डेजर्ट में अपना महत्व दिखाते हैं। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता प्रोंगहॉर्न। दोस्तों, प्रोंगहॉर्न एक तेज दौड़ने वाला जीव है जो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों और रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम एंटिलोकेप्रा अमेरिकाना है। प्रोंगहॉर्न दिखने में हिरण दिखता है, लेकिन ये हिरण नहीं होते। इसके शरीर की लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर और इसका वजन 40 से 60 किलोग्राम तक होता है। दोस्तों, प्रोंगहॉर्न की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जीवों में से एक है। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जो इसे चीता के बाद दुनिया दूसरा सबसे तेज दौड़ने वाला जीव बनाता है। इसके लंबे और मजबूत पैर इसे तेज दौड़ने में मदद करते हैं। प्रोंगहॉर्न की सींग हर साल गिरते हैं और फिर उसके बाद नए सींग उग जाते हैं। नर और मादा दोनों के पास सींग होते हैं, लेकिन नर के सींग ज्यादा लंबे और मोटे होते हैं। दोस्तों, प्रोंगहॉर्न शाकाहारी जीव है और ये घास, पत्ते, जड़ी बूटियां और फल खाना पसंद करते हैं। ये झुंड में रहते हैं और मुख्य रूप से गर्मियों और सर्दियों में अपने भोजन की तलाश में लंबी दूरी तय करते हैं। इनकी दृष्टि बेहद तीव्र होती है, जिससे ये दूर से ही अपने दुश्मनों को देख सकते हैं। दोस्तों, आजकल प्रोंगहॉर्न की संख्या कम हो रही है, क्योंकि इनके घरों में कमी हो रही है। संरक्षण प्रयासों के वजह से इनकी संख्या में सुधार हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। जामा। दोस्तों, लामा एक पालतू जीव है जो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतों में पाए जाते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम लामा ग्लामा है। लामा ऊंट के परिवार से ताल्लुक रखते हैं और ये दिखने में ऊंट की तरह दिखते हैं, लेकिन इनके पास कूबड़ नहीं होते। दोस्तों, लामा का शरीर मजबूत और लंबा होता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1.7 से 1.8 मीटर और वजन लगभग 130 से 200 किलोग्राम तक हो सकता है। इनके ऊन का रंग सफेद, भूरा, काला या चितकबरा होता है। दोस्तों, लामा मुख्य रूप से शाकाहारी जीव होते हैं और ये घास, पत्ते और जड़ी बूटियां खाते हैं। इनकी देखभाल करना बेहद आसान होता है और ये बेहद ही सहनशील होते हैं। लामा को उनके ऊन के लिए पाला जाता है, जो बेहद मुलायम और गर्म होता है। इसके अलावा इन्हें भार ढोने के लिए भी यूज किया जाता है। दोस्तों, लामा एक सोशल एनिमल्स होते हैं और ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये बहुत ही शांत टेम्परमेंट के होते हैं, लेकिन ये खतरे के समय थूक सकते हैं। थूकने का ये तरीका इनकी सेल्फ डिफेंस और झुंड में अपनी मौजूदगी स्पष्ट करने के लिए होता है। लामा का जीवन काल लगभग 15 से 20 साल का होता है। ये जानवर एनवायरनमेंट के लिए अनुकूल होते हैं और डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में भी जीवित रह सकते हैं। लामा की देखभाल और प्रोटेक्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दक्षिण अमेरिकी कल्चर और इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे। धन्यवाद। दोस्तों, कोआटी। दोस्तों, कोआटी एक छोटे से मीडियम आकार का मैमल्स है, जो मुख्य रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं, और इनका वैज्ञानिक नाम नसुआ है। कोआटी रैकून के परिवार से ताल्लुक रखती है और दिखने में भी ये रैकून जैसा दिखते हैं। दोस्तों, कोआटी के शरीर की लंबाई लगभग 40 से 70 सेंटीमीटर तक होती है और इनकी पूंछ की लंबाई भी इतनी ही होती है, और इनका वजन लगभग 3 से 7 किलोग्राम तक होता है। इनका फर भूरा या काला होता है और इनकी नाक लंबी और लचीली होती है, जो इन्हें भोजन खोजने में मदद करती है। कोआटी ओमनिवोरस होते हैं, मतलब कि ये पौधों और छोटे जीव जंतुओं दोनों को खाते हैं, और इनका खाना मुख्य रूप से फल, कीड़े, छोटे स्तनधारी और अंडे होते हैं। कोआटी दिन के समय एक्टिव रहते हैं और झुंड में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, कोआटी की नाक और पंजे मजबूत होते हैं, जिससे ये आसानी से जमीन खोदकर अपना खाना निकाल सकते हैं। ये पेड़ों पर भी चढ़ने में माहिर होते हैं और अपने पंजों की मदद से बैलेंस बनाए रखते हैं। दोस्तों, कोआटी सामाजिक जानवर होते हैं और इनका जीवन काल लगभग 7 से 15 साल का होता है। इनकी प्रजाति को किसी खास खतरे का सामना करना नहीं पड़ता, लेकिन जंगलों की कटाई और निवास स्थान की कमी
इन पर असर डाल सकती है। कुआटी का प्रोटेक्शन महत्वपूर्ण है ताकि ये खास जीव सेफ रह सके। गीला मॉन्स्टर। गीला मॉन्स्टर एक जहरीली छिपकली होती है जो उत्तरी अमेरिका के दक्षिण और पश्चिमी इलाकों जैसे एरिजोना, न्यू मैक्सिको और मैक्सिको के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम हेलोडर्मा सुस्पेक्टम है। गीला मॉन्स्टर का नाम गीला नदी के आधार पर रखा गया है जो इसके निवासी इलाकों में बहती है। दोस्तों, गीला मॉन्स्टर का शरीर मोटा और मजबूत होता है और इसकी लंबाई लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन 350 से 700 ग्राम तक होता है और इसका रंग आमतौर पर काला होता है जिस पर गुलाबी, नारंगी या पीले रंग के धब्बे या धारियां होती हैं। गीला मॉन्स्टर की त्वचा पर मोटे और छोटे छोटे स्केल्स होती हैं जो इसे शिकारियों से बचने में मदद करते हैं। ये छिपकली धीमी गति से चलती है और खासकर रात के समय में एक्टिव रहती है और इसका खाना मुख्य रूप से पक्षियों के अंडे, छोटे स्तनधारी और कीड़े होते हैं। दोस्तों, गीला मॉन्स्टर की विष ग्रंथियां इनके निचले जबड़े में होती हैं। ये अपने शिकार को काटकर उसके अपना जहर छोड़ते हैं जिससे शिकार की मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये मनुष्यों के लिए घातक नहीं होती, लेकिन इसका काटना दर्दनाक हो सकता है। दोस्तों, गीला मॉन्स्टर का जीवन काल 20 से 30 साल का होता है और ये रिजर्व प्रजातियों में से एक है और इसे कई जगहों पर लीगल प्रोटेक्शन प्राप्त है। गीला मॉन्स्टर की कंसर्वेशन इम्पोर्टेंट है ताकि ये अनोखी प्रजाति सुरक्षित रह सके। पेकरी। पेकरी एक छोटे से मीडियम साइज की मैमल्स है जो मुख्य रूप से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के जंगलों और रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है और इसका वैज्ञानिक नाम पेकरी परिवार से संबंधित है। पेकरी सुअर जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ये असल में सुअर नहीं होते। दोस्तों, पेकरी का शरीर मजबूत और गोलाकार होता है और इनकी लंबाई लगभग 90 से 130 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन 20 से 40 किलोग्राम तक होता है। इनका फर मोटा और खुरदरा होता है जो आमतौर पर काले या भूरे रंग का होता है। दोस्तों, पेकरी ओमनिवोरस होते हैं, यानी ये पौधों और छोटे जीव जंतुओं दोनों को खाते हैं और इनका आहार मुख्य रूप से फल, जड़ें, कंद, कीड़े और छोटे जीव होते हैं। पेकरी दिन और रात दोनों समय एक्टिव रह सकते हैं और ये झुंड में रहना पसंद करते हैं जिन्हें स्क्वाड कहा जाता है। ये समूह अक्सर 5 से 50 जानवरों का हो सकते हैं। दोस्तों, पेकरी के पंजे और नुकीले दांत इन्हें जमीन खोदने और अपने शिकारियों से बचाव करने में मदद करते हैं। ये अपने झुंड के साथ मिलकर शिकारियों से खुद की रक्षा करते हैं और खाने की तलाश करते हैं। दोस्तों, पेकरी का जीवन काल लगभग 9 से 15 साल का होता है। इनकी कुछ प्रजातियां जंगलों की कटाई और शिकार के कारण अब खतरे में हैं। पेकरी का प्रोटेक्शन इम्पोर्टेंट है ताकि ये खास प्रजातियां सुरक्षित रहें और इकोलॉजी मैकेनिज्म में संतुलन बना रह सके। डेजर्ट बिगहॉर्न शीप। दोस्तों, डेजर्ट बिगहॉर्न भेड़ एक अनोखे प्रकार की भेड़ है जो उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तानी भागों, मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मेक्सिको में पाई जाती है और इसका वैज्ञानिक नाम ओविस कैनाडेंसिस नेल्सोनी है। डेजर्ट बिगहॉर्न शीप का शरीर मजबूत और मांसल होता है और इनकी लंबाई लगभग 1.5 से 2 मीटर होती है और इनका वजन 55 से 90 किलोग्राम तक हो सकता है। दोस्तों, नर भेड़ के बड़े घुमावदार सींग होते हैं जो साल दर साल बढ़ते रहते हैं और इनके लिए प्रमुख पहचान बन जाता है। मादा भेड़ों के सींग छोटे और कम घुमावदार होते हैं। दोस्तों, ये भेड़ मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं और घास, पत्ते, झाड़ियाओं और कैक्टस खाते हैं। ये भेड़ पानी की कमी को सहन करने में माहिर होते हैं और रेगिस्तान की कठोर सर्कमस्टेंसेस में जीवित रह सकते हैं। ये कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकती हैं क्योंकि ये अपने भोजन से पानी प्राप्त कर लेती हैं। ये भेड़ झुंड में रहना पसंद करते हैं जिन्हें हर्ड कहा जाता है। ये झुंड आमतौर पर मादा और बच्चों का होता है जबकि नर भेड़ प्रजनन के मौसम में शामिल होते हैं। दोस्तों, इनका जीवन काल लगभग 10 से 20 साल का होता है। डेजर्ट बिगहॉर्न भेड़ की संख्या घट रही है क्योंकि इनके निवास स्थान में कमी हो रही है और इनका शिकार किया जा रहा है। प्रोटेक्शन एफर्ट्स के वजह से इनकी संख्या में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन इन्हें अभी भी सुरक्षा की जरूरत है। फेनेक फॉक्स। दोस्तों, फेनेक लोमड़ी एक छोटी और प्यारी लोमड़ी है जो सहारा रेगिस्तान और उत्तरी अफ्रीका के अन्य सूखे इलाकों में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम वल्पेस जेर्दा है। फेनेक लोमड़ी की सबसे खास पहचान उसकी बड़े बड़े कान होते हैं जो उसके शरीर के मुकाबले काफी बड़े होते हैं। फेनेक लोमड़ी का शरीर छोटा और पतला होता है जिसकी लंबाई लगभग 24 से 41 सेंटीमीटर तक होती है
और वजन लगभग 500 ग्राम से 1.5 किलोग्राम तक होता है। इसके बड़े कान न केवल इन्हें सुनने में मदद करते हैं बल्कि शरीर की गर्मी को भी बाहर निकालते हैं, जिससे ये रेगिस्तान की गर्मी में ठंडा रह पाते हैं। फेनेक लोमड़ी की फर हल्के पीले रंग की होती है, जो इसे रेत में छिपने में मदद करती है। दोस्तों, ये मुख्य रूप से रात में एक्टिव रहते हैं और दिन के समय अपने बिलों में आराम करते हैं। इनका खाना ओमनिवोरस होता है, जिसमें छोटे जानवर, कीड़े, फल और पौधे शामिल होते हैं। दोस्तों, फेनेक लोमड़ी सोशल एनिमल्स हैं और छोटे झुंड में रहते हैं। ये बहुत तेज दौड़ सकते हैं और अपने पंजों की मदद से रेत में आसानी से बिल खोद सकते हैं। इनका जीवन काल लगभग 10 से 12 साल का होता है। फेनेक लोमड़ी को उनके निवास स्थान में चेंज और अवैध शिकार के कारण खतरा है, लेकिन इन्हें कॉन्सर्वेशन एफर्ट्स के तहत सुरक्षित की जा रही है। कोयोट एक मीडियम साइज का मैमल्स है, जो उत्तरी और मध्य अमेरिका के जंगलों, घास के मैदानों और रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम कैनिस लैट्रांस है। कोयोट कुत्ते और भेड़िये के परिवार से संबंधित होते हैं और दिखने में छोटे भेड़िये जैसा दिखते हैं। दोस्तों, कोयोट का शरीर पतला और लचीला होता है और इसकी लंबाई लगभग 75 से 90 सेंटीमीटर तक होती है और वजन 9 से 23 किलोग्राम तक होता है, और इनका फर आमतौर पर भूरे, पीले और सफेद रंग का मिश्रण होता है, जो इसे कई प्रकार के आवासों में छिपने में मदद करता है। दोस्तों, कोयोट ओमनिवोरस होते हैं, यानी ये पौधों और छोटे जीव जंतुओं दोनों को खाते हैं। इनका आहार में मुख्य रूप से छोटे स्तनधारी, पक्षी, कीड़े, फल और कभी कभी मरे हुए जानवरों का मांस होता है। ये बहुत ही चालाक और एडेप्टेबल जानवर होते हैं और ये शहरों के आसपास भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, कोयोट आमतौर पर एकल या छोटे झुंड में शिकार करते हैं। ये तेज दौड़ सकते हैं और 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये अपने घर की रक्षा करते हैं और अपनी आवाज से अन्य कोयोट्स को संकेत देते हैं। इनका जीवन काल लगभग 6 से 8 साल का होता है। कोयोट की जनसंख्या स्थिर है और इन्हें कोई गंभीर खतरा नहीं है, लेकिन बढ़ते शहरीकरण और आवास में बदलाव उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों, हमें एक वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।